हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। यीशु ने कहा, परमेश्वर पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। पिता परमेश्वर ढूंढ रहा है क्योंकि उसको आसानी से मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? ऐसे आराधक जो सच्चाई के साथ आराधना करें। गीत गाने वाले बहुत मिलते हैं, गीत गाने वाले बहुत हैं, सभी हैं, लेकिन सच्चाई के साथ जो आराधना करने वाले वो कम है, वो गिने चुने हैं। और पिता ऐसों को ढूंढ रहा है जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी से, जो जब ये गाते हैं तू मेरा सब कुछ है, तो सच में उनके लिए यीशु सब कुछ है।
जो कहते हैं मैं अपना जीवन तेरे लिए देता हूं, तो जो वास्तव में जीवन पूरा देते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है पिता, आसानी से मिल नहीं रहा। क्या आप वो व्यक्ति हैं? ये तो केवल परमेश्वर बता सकता है और आप बता सकते हैं, और कोई नहीं। लेकिन वो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो सच्चाई के साथ आत्मा में आराधना करते हैं। हालेलुया। काश कि जब हम गीतों को गाएं तो हम केवल गीत गाने वाले ना हो, परंतु उसकी आराधना करने वाले हो, वो जो आराधना के योग्य हैं, उसके सच्चे आराधक हो। काश ये हमारे लिए सच हो। हालेलुया। इसीलिए ईमानदारी से हम गीतों को गाएं, आवाज उठाकर गाएं, ताली बजाते हुए गाएं और उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने।
चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, यीशु की चंगाई, यीशु की शांति, वो विजय, तो फिर हमको चाहिए कि हम आत्मा से, सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो महान है, वो राजा है, उसके जैसा कोई और नहीं है, उसके तुल्य कोई और नहीं है, केवल केवल यीशु, 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 वो महान महान परमेश्वर, महान राजा, केवल और केवल यीशु, हालेलुया। उसके सामने हम आए हैं, हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु। ताली बजाए, ताली बजा के गाए। सब लोग ताली बजाए। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा ऐलान करे।
बलि बना था। मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बिना था। विजय सिंह यहूदा का राजा है, जोरदार ताली बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार जोरदार। वो महान यीशु, महान राजा, महान राजा, वही आराधना के योग्य, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, उसके जैसा, उसके सिवाय कोई और नहीं है। इस राजा की हम सबों को जरूरत है हमारे जीवन में। उसकी उपस्थिति हम सबों के जीवन में। हम में से कुछ लोग इस बात का महत्व पहचानते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि हम में से हर एक जन इसका महत्व समझे और सुनिश्चित करें कि इस यहोवा का उपस्थिति हमारे संग संग बनी हुई है। ये हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये केवल और केवल हमारे और आपके हाथ में है। हमको चाहिए कि इस बात को हम ध्यान दें और इस बात को हम सुनिश्चित करें। हालेलुया। मेरे जीवन में तेरी यीशु तेरे बिना मैं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना।
जीवन में, क्योंकि यदि आप हमारे जीवन को चलाते हो तो फिर हम सच में विजयी से बढ़कर भी हो जाते हैं। यदि आप हमारे जीवन को चलाने वाले होते हैं तो फिर हर कठिनाई, हर परेशानी, हर समस्या के सामने हम विजय प्राप्त करते हैं। हर एक समस्या के ऊपर खड़े होकर हम कह सकते हैं कि ये समस्या है, ये कठिनाई, ये कौन सी पहाड़ है जो यीशु के सामने खड़ी हो सकती है। ये तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमको यीशु की आवश्यकता हमारे जीवन में हम सबों को है। हालेलुया।
उसकी आराधना करें हर एक जन। सजदा करूं, सजदा सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर हालेलुया, हम सबों के आराधना के योग्य, हम सबों के स्तुति के योग्य, हम सबों के प्रशंसा के योग्य, आदर और महिमा के योग्य आप ही हैं प्यारे परमेश्वर।